Audio Jungle. स्टूडेंट देखिए सॉल्व करते हैं एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम को, ठीक है। अब स्टूडेंट्स पहले हम आपको ये बताएंगे कि एलसीएम जो है हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, फिर इससे रिलेटेड कुछ स्पेशल प्रॉब्लम आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब इसमें हमें 36 और 60 का एलसीएम फाइंड करना है, तो पहले हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 18 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 30, फिर इसके बाद जब तक 2 से डिवाइड होंगे 2 से डिवाइड करेंगे हम, अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहे तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 जा 9, 5 जा 15, फिर एक बार और 3 से डिवाइड होगा, ठीक है, ये 1 आ जाएगा, यहाँ पर 5, इसके बाद 5 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, तो ये 1 और यहाँ पर 1 पहले से दिया है। तो अब एलसीएम जो है यहाँ पर हम लिख देंगे एलसीएम ऑफ 36 एंड 60 इक्वल कितना होगा, अब देखिए ये आ गया, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए 2, 2, 3, 3 और 5 का, ठीक है, 2, 2, 3, 3 और 5, ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई हम कर देंगे। देखिए जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2, 2 जा 4 हो गए, ये 9 हो गए और ये 5 हो गए, तो 5, 4 जा 20, 20 और 9 करेंगे तो 180 आ जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ गया, 180 आ गया, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स 180 इनका एलसीएम आ गया, ठीक है। अब ये 36 से भी डिवाइड हो जाएगा, 60 से भी डिवाइड हो जाएगा, फिर इसके बाद अब डी देखिए 26, 65 और 20, पहले हम डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है, तो यहाँ 13 आ जाएगा, यहाँ पर ये 2 से डिवाइड नहीं होता, ये 10 आ गया, ठीक है, फिर एक बार और 2 से डिवाइड कर दी, चूंकि अभी 10 2 से डिवाइड होगा, तो 13, 65, फिर इसके बाद आ जाएगा यहाँ 5, ठीक है, अब ये 3 से डिवाइड नहीं होते, ये 5 से डिवाइड करेंगे, तो 13, 13 और 1, फिर इसके बाद 13 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर भी 1, 1, 1 आ गया, ठीक है। बस अब इसके बाद यहाँ पर हम लिख देंगे कि इसका एलसीएम कितना आया, ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 26, 65, ठीक है, एंड 20 इक्वल टू 2 × 2 × 5 × 13, ठीक है, तो 5 × 2 = 10 × 20 × 13 = 26, 260 आ गया, ठीक है। अब इसको 26 से भी देखिए डिवाइड हो जाएगा, 65 से भी डिवाइड करोगे तो ये 4 टाइम्स डिवाइड होगा, ठीक है, और इससे 13 टाइम्स डिवाइड होगा, तो ये हमारा 260 जो है वो आंसर हो जाएगा, यहाँ 180 आंसर आया था। तो इस तरीके से एलसीएम हम स्टूडेंट फाइंड करते हैं। अब देखिए कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन, देखिए वो हमारा, ठीक है, टाइप 1 में था ये स्टूडेंट्स जो हमने किए थे। अच्छा ये टाइप 1 ये है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए बी एंड सी, ये टाइप 1 के क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हमें कोई लीस्ट नंबर फाइंड करना हो, ठीक है, जो ए बी और सी से पूरा पूरा जो है डिवाइड हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन नंबर का एलसीएम फाइंड कर देते हैं। अगर 2 नंबर दिए तो 2 का और 3 दिए हैं तो 3 का, ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, ठीक है। देखिए इंग्लिश में क्या, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 36, 54 एंड 72, हिंदी में क्या हुआ, छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए, 36, 54 और 72 प्रत्येक के द्वारा पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हमें तरीका क्या है, ये दिया गया है कि अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन है जो उसमें केवल ये वर्ड आया है कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाई
ठीक है, थ्री डिफरेंट नंबर्स, तो इनका हम एलसीएम फाइंड कर देंगे 36, 54 और 72, जो कि हम आपको पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 18 आ जाएगा, यहाँ पर 27 आएगा, यहाँ पर 36 आएगा। अब 2 से फिर डिवाइड कर दीजिए, 9 आएगा, 27 आएगा, 18 आएगा। फिर इसके बाद डिवाइड कर दीजिए 2 से, 9 और 27 डिवाइड नहीं होता, केवल ये डिवाइड होगा 9। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे हम 3 से, तो 3 जा 9, 3 9 जा 27, फिर 3। फिर इसके बाद 3 से डिवाइड कर दीजिए 1, 3 और 1, फिर 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये सब जगह 1 1 आ गया। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम होगा वो कितना आ जाएगा, देखिए 2 कितनी बार लिखा, 3 बार लिखा, ऐसे पावर में लगा के भी लिख सकते। 3 कितनी बार लिखा है, 3 बार लिखा है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर, इनका 2 की पावर 3 को हम लिख सकते 8, 2 का 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसको लिख सकते 27, मल्टीप्लाई कर दीजिए 87 या 56, 5 कैरी आई, 8 दूनी 16, 5 21, यानी 21, 216 आया। ठीक है, 216 आ गया। ठीक है, अब और ये तीनों नंबर से डिवाइड भी हमारा होगा। ठीक है, यही लिस्ट नंबर है, ये क्या है। ठीक है, तो हम लास्ट में चाहें तो लिख सकते सो द लिस्ट नंबर इज 216। ठीक है, विच इज एग्जैक्टली 36, 54 एंड 72। ठीक है, तो इस तरीके से ये टाइप वन के क्वेश्चन थे। अब देखिए टाइप टू में क्या है, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड लीव्स द रिमाइंडर ए बी सी रिस्पेक्टिवली। अब ये स्टूडेंट्स थोड़ा स्पेशल केस है, ठीक है, ये आप अपने आप में क्या है, स्पेशल है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, देखिए इट इज ऑलवेज ऑब्जर्व दैट, ये हमेशा आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या, देखिए हमने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया कि डिफरेंस ऑफ द नंबर एंड रिमाइंडर इज सेम इन ईच केस, ये सेम है या नहीं है। ठीक है, अब कैसे सेम है या नहीं है, एग्जाम्पल में देखिए, देखिए कह रहा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 1 एंड 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 9 एंड 12। तो x क्या है स्टूडेंट्स, x जो है वो नंबर है, x जो है वो नंबर है, a क्या है, a रिमाइंडर है, a क्या है हमारा, रिमाइंडर है। ठीक है, तो अब x का मतलब ये हो गया 9 और रिमाइंडर हो गया 1, तो 9 माइनस 1 किया 8 आया। ठीक है, फिर 12 माइनस 4 करेंगे तो ये भी 8 आया हमारा, तो ये चीज सेम होनी चाहिए, ये चीज कैसी होनी चाहिए, ये सेम आना चाहिए, इनका जो डिफरेंस है अगर ये सेम है तो हम एक्स वाई जेड के, अगर एक्स तीन नंबर हैं तो तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, दो हैं तो दो का एलसीएम निकाल लेंगे, और उसमें से ये जो एट आया है, ठीक है, इसको इक्वल हम किसके मान सकते, आर के मान सकते, आर का मतलब यहाँ पे रिमाइंडर नहीं है, आर का मतलब है इनका जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, यहाँ देखिए लिखा है साफ साफ आर। ठीक है, तो 9 में से 1 सबट्रैक्ट किया 8 आया, 12 में से 4 सबट्रैक्ट किया 8 आया, तो ये r की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखिए हम 9 और 12 का LCM निकाल देंगे। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए 6 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करिए तो यहाँ पे 3 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करो आप 3 आ गया, 1 आ गया, फिर 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है 1 आ गया, 2 2 4 तो ये आ गया, इसका एलसीएम कितना आया, देखिए एलसीएम आया 2 × 2 × 3 × 3, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना आया 36। ठीक है, तो जो हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना था उसको हम रिक्वायर्ड नंबर भी बोल सकते, या हम बोल सकते स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, सो द स्मॉलेस्ट नंबर
इज 36 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना 28। ठीक है, अब देखिए आंसर अगर आप चेक करना चाहें तो आंसर भी चेक कर लीजिए। ठीक है, आंसर आप देखिए यहां पर हम चेक करके आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो जब इस नंबर को, ये जो नंबर आया हमारा 28, हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? देखिए क्वेश्चन में क्या था, किससे डिवाइड करो, 9 से। तो जब 9 से इसको आप डिवाइड करोगे तो 9 3 27, 1 क्या बचा, रिमाइंडर। देखिए यही है, 1 आया रिमाइंडर। ठीक है, फिर जब हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे 28 को, तो 12 दूनी कितने 24, कितना बचा रिमाइंडर, 4 बचा कि नहीं बचा। तो देखिए कितना है, जब 12 से डिवाइड करते तो 4, तो इसका मतलब है कि आंसर बिल्कुल सही, हमने आपको आंसर भी चेक करके बता दिया। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम स्टूडेंट्स ध्यान रखना है। ठीक है, अगर ये चीज डिफरेंट होती, अगर ये चीज डिफरेंट होगी तो उसका फिर दूसरा मेथड है, उसको भी एक क्वेश्चन हमने लिख रखा है, बाद में आपको बताएंगे। पहले ये टाइप 2 की प्रॉब्लम हो गई। अब इसके बाद देखिए टाइप 3 में क्या है, देखिए इसी तरीके का एक क्वेश्चन और है। ठीक है, इसी तरीके का एक क्वेश्चन और है। ठीक है, तो नंबर देखिए कितना है 20 में रिमाइंडर कितना बचता है 14, फिर 25 के लिए रिमाइंडर जब डिवाइड करते उससे तो 19 आता है, फिर 35 से डिवाइड करते तो कितना आता है रिमाइंडर 29 आएगा। ठीक है, और जब 40 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 36। ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20 25 35 एंड 40 लीव्स रिमाइंडर 14 19 29 एंड 34। अब देखिए यहाँ भी 6 आया, यहाँ पर भी 6 आया, सबट्रैक्ट करने पर यहाँ भी 6 आया, यहाँ पर भी 6 आया। ठीक है, तो अब जो नंबर दिए हैं, नंबर हमारे पास कितने हैं, 20 है, 25 है, 35 है, ठीक है, और 40 है। तो इनका हम एलसीएम फाइंड कर लेंगे, जितने भी नंबर हैं, दो होते तो दो में ये प्रोसेस करते, तीन होंगे तो तीन में, चार होंगे तो चार में। अब पहले 2 से डिवाइड करो 10, यहाँ पर 25 ही रहेगा, यहाँ पर 35 रहेगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा। फिर इसके बाद 2 से डिवाइड करो 5, फिर 25, फिर 35 और फिर 10। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करिए 5 25 35 और 5। ठीक है, अब इसके बाद इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए 1 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद 5 से फिर डिवाइड कर दीजिए, 1 1 7 1, फिर 7 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 1 आ गया, सब जगह 1 1 आ गया। ठीक है, चारों 1 हो गए हमारे। तो अब इसके बाद इसका जो एलसीएम है, ठीक है, एलसीएम हमें फाइंड किया है 2 2 कितनी बार लिखा है, 3 बार लिखा है, 5 कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है, 7 एक बार लिखा है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये नंबर आ गए। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4। ठीक है, तो देखिए 4 × 2 × 25 × 7। ठीक है, आसानी रहेगी, 25 4 का मल्टीप्लाई करोगे 100 आएगा, और 7 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे 14 आएगा, तो ये आ गया 1400। ये एलसीएम आया, अभी आंसर नहीं आया स्टूडेंट्स। ठीक है, ये 1400 ये आ गया 1400। ठीक है, अब देखिए जो हमारा ये था, ये चीज अगर सेम है, ठीक है, रूल हम आपको फिर एक बार, ठीक है, मतलब याद करा रहा है कि रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड में से जो आर, जो डिफरेंस सेम था, ठीक है, उसको सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा
वो हमारा आ जाएगा 1400 माइनस कितना था देखिए, ठीक है 6, तो कितना आ गया 1394। ठीक है अब देखिए चाहे तो आंसर भी चेक कर लीजिए, 20 से डिवाइड करो 1394 को, ठीक है 6 बार जाएगा 120, ठीक है फिर यहाँ पर कितना 1 बचा, यहाँ पर 9, फिर ये 4, ठीक है 9 बार फिर चला जाएगा, 9 दूनी 18 180, ठीक है कितना आ गया 14 आ गया, तो रिमाइंडर कितना बच रहा था देखिए 14 बच रहा था। ठीक है फिर इसके बाद अब इसके बाद 25 से डिवाइड कर दीजिए, तो 25 से डिवाइड करोगे जब 1394 को, ठीक है तो 25 पंच 125, ठीक है कितने बचे 9 और यहाँ पे 4, ठीक है 25 तीया 75, ठीक है 14 में से 5 गई कितनी बची 9, 8, 19 कितना आ गया देखिए रिमाइंडर 19 आ गया। फिर 35 से डिवाइड करोगे जब, ठीक है इस तरीके से आप लगाओगे तो आपको बहुत दिन तक ये क्वेश्चन याद रहेंगे, ठीक है नहीं तो आप जल्दी भूल जाओगे। तो 1394, ठीक है कितनी बार 3 बार, ठीक है तो 3 5 15 की 5, 3 का 9 और 1 10, ठीक है कितना आ गया 34, ठीक है एक 4 और लिख देंगे। अब कितनी बार जाएगा 9 बार, 9 पना 45 की 5, कैरी आई 4, 9 3 27, 4 31, 315 ये आ गया। अब देखिए 14 में से 5 गई कितनी 9, 3 में से 1 गया 2, 29 तो ये आ गया। ठीक है इसी तरीके से, ठीक है अगर 40 से करेंगे तब भी इतना ही आ जाएगा। ठीक है तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था स्टूडेंट्स। अब देखिए इसमें क्या है कि फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय ए बी सी लीव्स द सेम रिमाइंडर। अब रिमाइंडर क्या बचेगा, सेम रिमाइंडर बचेगा इन ईच केस, तो उस केस में क्या करेंगे हम जो नंबर दिए हैं उनके एलसीएम को फाइंड करके उसमें जो रिमाइंडर है उसको ऐड कर देंगे। ठीक है बस इतना सा काम करना है, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 16 24 एंड 36 लीव्स अ रिमाइंडर 7 इन ईच केस। ठीक है तो देखिए इनका हम जो है इधर फाइंड कर दें स्टूडेंट, इधर स्पेस है देखिए 12 और 16 24 और 36, तो इनका एलसीएम फाइंड कर दें 2 का, तो ये 6 आ गया, इधर 8 हो गया, इधर 12 हो गया, इधर 18 हो गया। ठीक है फिर 2 से फिर डिवाइड कर दो, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 6 आ गया और ये 9 आ गया। ठीक है अभी 2 से फिर डिवाइड होगा, तो ये 3 इधर 2 इधर 3 और इधर 9। ठीक है फिर 2 से फिर डिवाइड कर दो, 3 1 3 और 9। ठीक है फिर चलिए इसके बाद इधर लिख देंगे, अब इसके बाद डिवाइड करो 3 से, तो 1 आ गया, इधर 1 आ गया, इधर 1 आ गया, इधर 3 आ गया। ठीक है एक 3 और आ जाएगा 1 1 1 1। ठीक है तो अब यहाँ पे जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आएगा देखिए 1 2 3 4, 2 की पावर 4 है ये। ठीक है और 2 बार 3 लिखा है तो 3 की पावर 2। अब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 और ये 9 हो गया, तो कितना आ गया 144 आ गया, तो 144 आ गया। तो जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा 144 प्लस 7, ठीक है तो 151 आ गया। अब चेक करके देखना, देख लीजिए एक दो नंबर से डिवाइड कर दीजिए 151, ठीक है 12 एकम 12 कितने बचे 3,
बारह दूनी 24, कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, क्योंकि कितना रिमाइंडर चाहिए था इस केस में 7। ठीक है, और किसी से चेक करना, मान लीजिए चलिए 24 से चेक किए दे रहे 151। ठीक है, पांच बार कर दें, 5 × 20। ठीक है, 5 नहीं ज्यादा बार चला जाएगा। ठीक है, 7 बार नहीं जाएगा, 6 बार चला जाएगा। देखिए 6 × 24 की 4 कैरी आई 2, 6 × 12 दो 14, 144, कितने 7 बचे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये आंसर जो है वो चेक कर दिया आपका, और जिससे डिवाइड करके देखना आप देख लीजिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स करना था। ठीक है, तो इसमें रिमाइंडर सेम बचेगा। अब एक टाइप और है स्टूडेंट, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। टाइप 4 में गिवन द डिफरेंस ऑफ द नंबर एंड द रिमाइंडर इज नॉट सेम। ठीक है, अब देखिए कहना हम क्या चाह रहे हैं कि 9 − 1 हम करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स द रिमाइंडर 1 and 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 9। अच्छा, इसमें तो सेम बच रहा है। ठीक है, ये जो है विच लीव्स रिमाइंडर 1 and 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 9 and 12। एक मिनट, अच्छा ठीक है, तो ये तो सेम है ना, रिमाइंडर डिफरेंट है। ठीक है, इसके लिए हमने, अच्छा सेम रिमाइंडर था, रिमाइंडर इतने, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड। तो ये स्टूडेंट इसी की तरह है, जो एग्जांपल 3 है वो इसी की तरह क्वेश्चन है। ठीक है, वहां पे हमें दूसरा क्वेश्चन लिखना होगा। ठीक है, चलिए हम दूसरा लिख देंगे। ठीक है, तो इसको इस तरीके से कर देंगे, अच्छा 9 में से 12 में 4 गए। ठीक है, चलिए ये पहले जैसा क्वेश्चन है, यहाँ पे हम नंबर चेंज किए दे रहे हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर हम चलिए हमने, ठीक है, तो ये बात समझ गए जब सेम नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमने आगे भी एक क्वेश्चन लिख रखा है, उसको हम आपको समझाए दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 8 and 10 व्हेन डिवाइडेड बाई 10 and 14। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 10 − 8 कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, और 14 − 10 ये आ गया स्टूडेंट्स 4 आ गया। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हम कौन सा मेथड जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, तो वो वाला क्वेश्चन भी हम इस मेथड से, ठीक है, एक क्वेश्चन और बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए ये था, देखिए फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 8 and 10 व्हेन डिवाइडेड बाय 10 and 14। तो अब स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि डिफरेंस इज नॉट सेम। ठीक है, तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम कौन सा मेथड यूज करेंगे। मान लीजिए हमने ये मान लिया कि जो नंबर हमें फाइंड करना था वो नंबर हमारा ए। ठीक है, अब इस नंबर को हमने डिवाइड किससे किया, 8 से डिवाइड किया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये नंबर हमें पता नहीं है, हमने मान लिया कि क्यूसेंट हमारा एक्स आया। ठीक है, और रिमाइंडर कितना बचता था, रिमाइंडर वो एक मिनट, डिवाइड हमें करना है डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, जब हमने इसको किससे डिवाइड किया, 10 से डिवाइड किया। ठीक है, ये हमने इसको 10 से डिवाइड किया। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आया था, 8 आ गया। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 10x + 8, ये हो गया। तो पहली कंडीशन क्या थी, ये स्टूडेंट्स नंबर है। ठीक है, जो हमें फाइंड करना है, इस नंबर में हमने 10 से डिवाइड किया। ठीक है, तो क्यूसेंट हमें x मिला और इसमें रिमाइंडर जितना आ रहा था वो हमने ऐड कर दिया। फिर देखिए अब क्या है, नंबर अभी भी सेम है, अब इसको हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, 14 से, इसको डिवाइड हम कर रहे हैं 14 से। ठीक है, अब रिमाइंडर हमें एक्स ना मिल करके, ठीक है, क्योंकि हम
फरक नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें मान लीजिए वाई मिला क्यूसेंट, ठीक है। जब ए को हमने 14 से डिवाइड किया तो क्यूसेंट हमें वाई मिला और रिमाइंडर हमें पता है कितना है 10, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन बन गई स्टूडेंट। अब जब ये दो इक्वेशन हमारी बन गई तो देखिए ये भी ए के इक्वल है, ये भी ए के इक्वल है, तो दोनों को हम इक्वल कर देंगे। 10x प्लस 8 इज इक्वल टू 14y प्लस 10, ठीक है। अब ये देखिए x और y वाली हमने एक साइड लिख ली, 10 माइनस 8, ठीक है। तो 10x माइनस 14y इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। चलिए अब हम जो है ट्राई करते हैं। सपोज करिए ये x है और ये y है, ठीक है। और यहां पर जो वैल्यू मिलेगी वो 10x माइनस 14y की वैल्यू मिलेगी हमें, ये। अब ये वैल्यू कितनी चाहिए हमें, 2 चाहिए। तो अब स्टूडेंट इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली ये है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव है, 10x माइनस 14y की वैल्यू 2 आ रही। तो यानी x में जो हम नंबर पुट करेंगे वो बड़ा नंबर होगा, y में जो नंबर पुट करेंगे वो छोटा होगा, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए अगर हम x की वैल्यू 2 लेते और y की वैल्यू 1 लेते, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 माइनस 14 कितना आ गया, 6 आ गया। अब मान लीजिए हम ये वैल्यू 3 ले रहे हैं, ये वैल्यू 2 ले रहे हैं, ठीक है, तो 10 10 3 या 30 हो गए और ये हो गया 14 2 या 28, ठीक है। कितना मिल गया हमें, 2 मिल गया, क्योंकि यही तो चाहिए था हमें, ठीक है। 10x माइनस 14y की वैल्यू 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू क्या मिली, 3 मिली और y की वैल्यू कितनी मिली, 2 मिली। तो ये वैल्यू हम इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर उस मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एक आंसर नहीं आएगा, दो अलग अलग आंसर आएंगे, ठीक है। कितने आएंगे, दो अलग अलग आंसर आएंगे स्टूडेंट। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, ठीक है। तो a बराबर कितना हो गया, देखिए ये हो गया 10 इंटू 2 वो 3 प्लस 8, आंसर कितना आ गया, ये आ गया 38 आया। कितना आंसर आया, 38 आया स्टूडेंट। अब देखिए आंसर को चेक कर लीजिए, तो अब यहां भी अगर आप रखोगे तब भी 30 आएगा। देखिए 14 और 2, y की वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई करोगे 28, 10 जोड़ दोगे 38 आएगा। तो किसी भी एक इक्वेशन में रख के हम फाइंड कर सकते। अब चेक कर दें, जो हमारा नंबर 38 मिला था, अगर इसको हम डिवाइड करें पहले 10 से, 10 3 जा ये आ गया 30, ये 8 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। फिर 38 को हम क्या नंबर था, 14 था, अगर इससे डिवाइड करें तो ये 28 कितना आ गया रिमाइंडर, 10 आ गया। तो देखिए इस केस में 10 आ रहा है, इस केस में ये आ रहा है। जब हम 10 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट y व्हिच लीव्स रिमाइंडर 8 एंड 10 व्हेन डिवाइडेड। जब 10 से डिवाइड करते तो ये 8 रिमाइंडर आएगा, जब 14 से डिवाइड करोगे तो 10 रिमाइंडर आएगा, आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को स्टूडेंट सॉल्व करना है, ठीक है। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन हो कि रिमाइंडर दो अलग अलग रिमाइंडर दिए हों, तो पहले हम ये फाइंड कर लेंगे नंबर माइनस रिमाइंडर, अगर ये इन दोनों की वैल्यू सेम आती है तो जिस मेथड से पहले लगा रहे थे उसी मेथड से लगा देंगे, ठीक है। और नहीं तो फिर हम, ठीक है, तो उन क्वेश्चन को भी हम इस मेथड से कर सकते हैं। ये जो अभी हमने ये मेथड अप्लाई किया है, उस क्वेश्चन को भी अगर हम चाहें तो इसी मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए वो पहले लिखा है क्वेश्चन ये है, ठीक है, विच लीव्स रिमाइंडर 1 and 4 व्हेन डिवाइडेड बाई 9 and 12, ठीक है। तो उसी जो पहले मेथड बताए उसी मेथड से हम देखिए इसको करके बता रहे हैं। अब ये नंबर हमारा ए हो गया, इस नंबर को हमने 9 से डिवाइड किया, ठीक है, क्यूसेंट एक्स आ गया, रिमाइंडर कितना आ रहा, 1 आ रहा। फिर यही नंबर है, इसको हमने 12 से डिवाइड किया, ये आ गया वाई, ठीक है, और ये हो गया 4, तो ये आ गया 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 12y प्लस 4। तो देखिए 9x माइनस 12y इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो अब हमें x की ऐसी वैल्यू लेना है, x और y की, कि इनका डिफरेंस जो है 3 आ जाए, ठीक है।
तो अगर हम इसकी वैल्यू 3 लेते हैं, ठीक है, 3 अगर हम लेते हैं इसकी वैल्यू, ठीक है, चलो ट्राई करके देखें, ठीक है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये आ गया 9x-12y, ठीक है, इक्वल टू 3 हमें फाइंड करना है। अब एक्स की वैल्यू हमने 2 ली, ठीक है, और वाई की वैल्यू हमने 1 ली, तो कितने हो गए 18-12, तो 6 आ गया। अब हमने इसकी वैल्यू 3 ले ली और इसकी वैल्यू 2 ले ली, ठीक है, तो ये हो गया 27-24, कितना आ गया 3 आ गया, कितना आया 3 आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है, तो देखिए 3 ही हमें चाहिए थी, तो x की वैल्यू 3 हो गई और y की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, ठीक है, तो नंबर हमें क्या मिल गया, तो a बराबर किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू रख दीजिए 9x+1, ठीक है, तो 9 × 3 तो कितना आ गया 28 आ गया, कितना आया 28 आ गया, ठीक है। अब देखिए चेक कर लीजिए आंसर, जब 9 से इसको डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर आ गया, जब 12 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आ गया, 4 रिमाइंडर आ गया, तो यही तो हमारा क्वेश्चन था। अब हम चाहते तो उस मेथड से भी इसको सॉल्व कर देते, ठीक है, तो अगर उस मेथड से देखिए सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, ठीक है, उस मेथड से अगर हम दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे तो 9 और 12 का जो एलसीएम निकाल लीजिए, 9 और 12 इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, ठीक है, लेकिन इसको, हाँ इसको कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 9 में से 1 गया 8 आया इसमें से, तो ये 36 आ गया, ठीक है। अब देखिए 36 आ गया, 9-1 जो है वो 8 आ रहा, ठीक है, और ये 12-4 ये भी 8 आ रहा है, ठीक है, तो जितना इसका एलसीएम आया था इसमें से कितने सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ गया 28। तो इस तरीके से भी देखिए 28 आंसर आ गया और यहाँ भी 28 आंसर आ गया, ठीक है। सो द, तो इस वाले मेथड से हम किसी भी क्वेश्चन को कर सकते, ठीक है, लेकिन इस मेथड से, इस वाले मेथड से हम हर क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि जब डिफरेंट, इस वाले मेथड से किसी भी क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 38, ठीक है, तो इस तरीके से इनको करना था। अब ये स्टूडेंट देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, हम एक बार फिर आपको पढ़ के बता रहे हैं, ये फाइंड द, क्योंकि छोटा छोटा लिखा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 8 और 10 व्हेन डिवाइडेड बाय 10 और 14, तो इसको हमने, ठीक है, अब यहाँ पर इसको एक्चुअल में ट्रायल मेथड होता है, ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है, एक्यूरेट मेथड नहीं है ये, ट्रायल और ट्रायल एंड एरर मेथड से हम ये चीजें फाइंड करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।